Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7, एक ऐसा चैनल जो लगातार आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेरित करता है, ना सिर्फ प्रेरित करता है बल्कि ये आपको मदद भी करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो स्वागत है यहाँ पर, और जल्दी से देखते हैं कौन कौन हमारे संग यहाँ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो दीपक जी है, संदीप है, अक्की तिवारी जी है, ठीक है, अनु है, ठीक, और कौन है हमारे संग में, श्यामा तिवारी जी भी हैं, प्रियांशी जी भी हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही है, ये आप लोगों को पता है। और क्वेश्चन जब आता है तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन वही वाली बात कि आसान क्वेश्चन के चक्कर में हम बहुत बार चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं। आसान समझते हुए ज़्यादा अति आत्मविश्वास की वजह से हम क्वेश्चन को ध्यान या टॉपिक को ध्यान से नहीं देते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। जल्दी से देखते हैं आज हम, बिल्कुल बहुत बढ़िया, हमारे संग जुड़ चुके हैं सभी लोग। और इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर दें, एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोट मुझे मिला, एक पंक्ति मुझे मिली। एक पंक्ति तो हमारे यहाँ पर हमारे लोग भेजते रहते हैं, जैसे भाग्य के दरवाजे पर से पीटने से बेहतर है कि कर्मों के तूफान से दरवाज़ा खोल दिया जाए। और कंप्यूटर जी स्टार्ट करते हैं, हमारा जो एक कोट मिल जाता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। चलिए चलिए जल्दी से हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन टॉपिक को मैं तब तक यहाँ बोर्ड पर लिख देता हूँ। टॉपिक होने वाला है हमारे वहाँ साइक्लोन यानी चक्रवात। साइक्लोन यानी कि चक्रवात आने वाला है आज हमारी क्लास में चक्रवात आने वाला है, ठीक है अंकित जी, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दो इधर भी कि क्या है, छोटी छोटी हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यानी कि अगर हमें किसी भी तरफ को चलना है और हमें लग रहा है कि यार यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो हमें मंजिल बदलने के बजाय क्या करना है, अपने प्रयासों में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए लेकर के आना है, ठीक। बिल्कुल ये यहाँ पर हम बोलते हैं, दलीप सिंह जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, राम राम जी कैसे हैं, रमेश जी। तो जल्दी से जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले तो क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। दिखना चाहिए कि हाँ आप लोगों को क्या है, आप लोगों को सेशन इंपॉर्टेंट लग रहा है, सेशन पसंद है, और इस तरीके से हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और एक और काम आपको करना है, वो क्या करना है, सेशन को तुरंत सेशन को शेयर भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम तक पहुँच सकें, हमारी पहुँच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके, और जो कंपटीशन है उसमें आप लोगों को पता चल सके कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक, तो जल्दी से ये दो काम कर दे रहे हैं। यहां पर कुछ दिखाई दे नहीं रहा है कि लाइक कितने हो रहे हैं, 76 के आसपास वॉचिंग, चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी भाई लाइक कर देना है जल्दी जल्दी, ठीक, ओके बिल्कुल बहुत बढ़िया। कौन है यहाँ पर हमारे यहाँ, राम शंकर जी, क्या बात है, राम और शंकर दोनों नाम में हमारे यहाँ पर मिल रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और सेशन को क्या करना है, शेयर भी करना है। और हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोट, इसलिए क्योंकि हमें खुद को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है, हमें खुद को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है। और ज़िंदगी के जो साइक्लोन है, ज़िंदगी में जो आने वाले चक्रवात हैं, कहीं हम उनमें फंस के ना रह जाए, इसलिए भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, खुद को सेल्फ मोटिवेट करना, ठीक। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मज़ा आ गया, ठीक है। लेकिन जल्दी से शेयर भी कर देना है, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स जो आपको नीचे चैट मिलता है ना, उसे क्रॉस करके शेयर कर दो जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचना है। हमारा जो मोटिव है वो ये कि एक अच्छा कॉम्पिटिशन हम लोगों के साथ बिल्ड कर सके। और कॉम्पिटिशन जब अच्छा होता है तो आप लोगों को दौड़ने में, रेस में मज़ा तभी आता है जब क्या होता है, हमारे संग अच्छे कॉम्पिटिटर होते हैं, अपनी कमजोरियों का पता चल पाता है हमें, ठीक है। कुछ दिखा नहीं, सेशन लाइक करने में कंजूसी हो रही है भाई, ठीक है, इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पीडीएफ आपको सेशन खत्म होने के बाद वहां पर मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी,
ठीक है। चलिए जल्दी से ये तो काम जल्दी से कर दीजिए, तब तक हम टॉपिक का इंट्रो देखते हैं। और टॉपिक है साइक्लोन चक्रवात। और मैंने कल से कहा था कि जब भी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। यानी क्या हो रहा है हमारे पास, यानी कि बात वही है, लेकिन बस क्या है, कभी पुराने पैकेट में भेजे तुमको चीज, पुरानी नए पैकेट में भेज देते हैं हम, ठीक। साउंड चेक करते हैं एक बार, आयुषी गोयल जी, साउंड हमारे यहाँ से क्लियर हो रही है, कंप्यूटर जी से पूछ लिया हम लोगों ने, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का जो हमारा टॉपिक साइक्लोन है, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या मिलता है, क्वेश्चन का जवाब देना है, एक्सप्लेन भी मैं करूंगा। अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन, कल एक क्वेश्चन और पढ़ा था इसी तरीके से, आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रख लेना, गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। साइक्लोन चक्रवात, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यही है हमारा, इट्स जय, तो जय हो, साउंड ओके है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं ना, खुद ही जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो खुद ही क्लियर कर देते हैं, ताकि हमें भटकने की जरूरत ना पड़े। और मुझे पता है कि आप इतने बढ़िया हो कि आप हमारे कहने से पहले ही सेशन को लाइक और शेयर कर देते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। क्वेश्चन का आंसर भी बताओ, क्वेश्चन का आंसर भी बताना है, ठीक है, जल्दी से आंसर क्या होने वाला हमारे यहाँ पर, वायुमंडल, ठीक है। एनीमोमीटर का काम क्या रहता है, तो आंसर आ रहा है सबका ए, और इसी से ही रिलेट करता है, एक और हमने कल पढ़ा था, वो हमारे पास आया था कि वायु की दिशा, डायरेक्शन, डायरेक्शन मेजर करने के लिए, डायरेक्शन पता लगाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये एडिशनल क्वेश्चन, रिपीटेशन में चलते रहते हैं क्वेश्चन, ध्यान रख लेना, हमेशा क्वेश्चन क्या होता है, रिपीटेशन में चलते रहते हैं। तो एनीमोमीटर का क्या काम रहता है, तो कंप्यूटर जी सही आंसर दिखा दीजिए, क्या होने वाला है यहां पर, सही आंसर क्या होने वाला है, तो सही आंसर हमारे सामने आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारे यहां पर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र जो हवा की स्पीड को मेजर करता है, कल ये बात हुई थी, और आंसर इसका भी आ गया है, देवू जी ने बोल दिया है, विंड विंड डायरेक्शन के लिए, ध्यान रखना, बिल्कुल लाइक यहां पर बनता है आप लोगों के लिए, पुरानी चीजें याद करते हुए उसी के ही बेस पर नई चीजें अगर हम अपलोड करेंगे, नई चीजें अगर हम वहां पर लाएंगे, तो बड़े बढ़िया तरीके से याद होगा। तो हवा की दिशा के लिए विंड वेन है, और हवा के डायरेक्शन के लिए, गति के लिए एनीमोमीटर है। अब हवा जब चलती है, तो कल हमने पढ़ लिया था वायु के बारे में, विंड्स के बारे में, अगले क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं कंप्यूटर, क्या होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, बिल्कुल सुरजीत जी, पंडित जी, आजाद जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही हो गया रमेश जी, तो बहुत ही बढ़िया, यहां पर अगर सही हो गया है तो अगला क्वेश्चन बताओ, चक्रवात की आंख का सच, अरे क्या बात है, ये तो हमारे यहां पर कुछ ऐसा हो गया कि बिल्कुल मिस्टीरियस मूवी वाला चल रहा है, कि आइए जाने इस मूवी का सच क्या है, इसके पीछे की खबर की सच्चाई क्या है, तो वही यहां पर है, चक्रवात की आंख का सच क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द आई ऑफ साइक्लोन, यहां दो पॉइंट मिल जाते हैं, यहां पर दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन अगर आप इसको कर देते हो तो अगला क्वेश्चन बड़ा आसान रहने वाला है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत हो गया, कोई बात नहीं दीपा जी, क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं हमेशा बोलता हूं, यहां क्वेश्चन गलत हो जाए बहुत बढ़िया है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, यहां क्वेश्चन गलत हो जाए ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। कहां है अगला क्वेश्चन का आंसर, ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर कहां है, लो प्रेशर बता रहे हैं कैप्शन अभी भाई जल्दी से बताओ, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, चक्रवात की आंख का सच क्या है, तो क्या है इसकी सच्चाई, इसके पीछे की खबर की सच्चाई क्या होने वाली है, उच्च दबाव का क्षेत्र है, कम दबाव का क्षेत्र है, बहुत सारे बादल बारिश होती है, या फिर इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जल्दी से बताना आप लोगों को यहां पर क्या होने वाला है, तो आंसर ए मिल रहा है, कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए, आंसर दिखा दीजिए क्या होने वाला है, आप ध्यान रखना, दो तीन क्वेश्चन को एक संग यहां पर अगर जब मैं बताऊंगा तो जिनका गलत हो रहा है ना उनका फिर कभी गलत होगा ही नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप यहां पर बने रहते हैं ना तो एक क्वेश्चन आपका पक्का है, जब भी साइक्लोन से क्वेश्चन आएगा कभी गलत नहीं होने वाला है। चलिए यहां पर सही आंसर बी मिल रहा है, कम दबाव का क्षेत्र होता है, तो लो प्रेशर एरिया होता है वहां पर, चक्रवात की आग, लो प्रेशर एरिया, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और मिलता है,
कि जो यहाँ पर आई लिखा हुआ है ये क्या है। सच्चाई तो छोड़ो जो भी है, लेकिन ये है क्या? तो अगले क्वेश्चन पर इसका आंसर छुपा है। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ध्यान रखना, कड़ियाँ एक एक करके जुड़ रही हैं, और अगर कड़ियाँ एक एक करके आप जोड़ दोगे तो आप अपने आप पूरे टॉपिक यानी कि पूरी की पूरी जो एक चेन है उसे बढ़िया तरीके से कर लोगे। बिल्कुल ठीक है, जिनका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है उनका सही है, ठीक है, क्लियर यहां तक? तो जल्दी से यहां पर बताना है आंसर, जल्दी से बताना है। सेंटर ऑफ द साइक्लोन चक्रवात की आंख किसे कहा जाता है? स्क्वायर प्लस ने भी बोल दिया है आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, देख रहा हूं मैं, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो यहां पर क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है, तो यानी कि पुराने वाले क्वेश्चन से ये जुड़ चुका है। कैसे जुड़ चुका है? सेंटर ऑफ द साइक्लोन, तो सेंटर ऑफ द साइक्लोन किसे कह रहे हैं हम? तो हमने कहा कि अगर सपोज कर लेते हैं ये पूरा का पूरा हमारे पास एक ओशन वाला रीजन है, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर जी आंसर दिखा दो, क्या होने वाला है यहाँ पर? चक्षु गर्त, बैल की आंख, अच्छा हुआ भैंस की आंख नहीं लिखा यहाँ पर, या फिर ऑल ऑफ द एवम, ठीक है। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर ऑफ द साइक्लोन क्या है, तो सपोज करते हैं ये पूरा हमारे पास समुद्र वाला रीजन है, ये क्या हमारे पास ओशियन है, ठीक, ये पूरा का पूरा ओशियन है। तो हमारे समुद्र में किसी पर्टिकुलर एक जगह पर, किसी पर्टिकुलर एक जगह पर क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है, किसी एक जगह पर लो प्रेशर बनता है, और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ कुछ हाई प्रेशर रीजन आता है। यहाँ पर क्या है? प्रेशर ज्यादा होता जा रहा है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। तो हमेशा जो हवा चलती है वो लो से हाई की ओर चलती है, हमेशा हवा लो से हाई की ओर चलती है, तो इसलिए यहाँ से जो हवाएं मूव कर रही थी वो कैसे करेंगी? पृथ्वी के घूमने की वजह से हवाएं सीधी ना हो करके इस तरीके से गति करती हुई दिखाई दे जाएंगी, ठीक है, गलत, फिर से गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमारा लो प्रेशर रीजन है, ये जो हमारा लो प्रेशर रीजन है, इसको ही कहा जाता है सेंटर ऑफ द आई, सेंटर ऑफ साइक्लोन, और इसे कहा जाता है आई यानी कि चक्षु, ठीक, चक्षु, ठीक है। और जितनी भी बाहर से हवाएं आती हैं सब इसके पास आने से पहले ही ऊपर उड़ जाती हैं, तो इसीलिए साइक्लोन के सेंटर में जो मौसम होता है वो मौसम कैसा होता है? वो होता है बादल रहित, और साथ ही साथ क्या मिल जाता है? बादल रहित और साथ ही साथ मिल जाता है बिल्कुल शांत, चक्रवात के तूफान के बाद की शांति है। सुनी होगी कहावत आप लोगों ने, क्या सुना है ये, कि तूफान के बाद की शांति है, क्यों? क्योंकि अगर तूफान गुजर गया तो अब अगर हम उसके सेंटर में पहुंच जाते हैं तो वहां पर क्या मिलता है? बिल्कुल शांत रीजन मिलता है। एक बड़ी अच्छी मूवी थी जर्नी द मिस्टीरियस आइलैंड, ठीक है, शायद देखी होगी आप लोगों ने। तो वहां पर जब वो उस चक्रवात में फंसते हैं तो बिल्कुल नीचे पहुंचते क्या देखते हैं? बिल्कुल शांत है। तो वही चीज यहां पर है, चक्रवात के केंद्र को आई कहता है, मौसम कैसा है? शांत, चारों तरफ से घिरा हुआ किससे है? तो हाई प्रेशर बेल्ट से घिरा है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? बिल्कुल ठीक है। क्लाउडेड नहीं, क्लाउडलेस होता है ये, ठीक है प्रियांशी जी, क्लाउडलेस होता है, बिल्कुल। पीडीएफ राज जी आपको मिल जाएगी, सारे क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, लेकिन जो यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसके लिए सेशन को देखना पड़ेगा, वरना बात वही आ जाएगी कि चीज़ें रटने वाली हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे जो इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो रटी रटाई चीज़ों पर देखें। अगर उनसे पूछा जाए तो उन्हें पता हो कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि साइक्लोन इज सराउंडेड बाय, अभी अभी बात हुई थी, साइक्लोन इज सराउंडेड बाय, चक्रवात घिरा हुआ किससे होता है? जल्दी से आंसर बताओ, यहां पर सामने दिख रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, और अभी कंसेप्ट क्लियर करा था, तीन चार क्वेश्चन बिल्कुल लगातार बैक टू बैक मिलते हैं एग्जाम में, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो आंसर भी आ गया हमारे यहाँ पर, आंसर किससे क्या है यहाँ पर? साइक्लोन इज सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर एरिया। कंप्यूटर जी आंसर दिखा दो, क्या होने वाला है आंसर हमारे यहाँ? देखो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है ये, ठीक है। क्या है ये? हाई प्रेशर। मैंने क्या बोला? यहाँ लो प्रेशर है,
सेंटर में लो प्रेशर है और फिर हाई देन हाई देन हाई, यानी कि सेंटर में लो प्रेशर के बाद बाहर की ओर जब चलते चले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो गलत कैसे कर दिया था जिन लोगों ने ये बताया था? हाँ बिल्कुल पंडित जी, क्या बात है, हाई प्रेशर हाई प्रेशर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसी बात में क्या करना है, सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करना है भैया। मतलब 100-150 के आसपास वॉचिंग चल रही है, मतलब 200 प्लस तो कम से कम हमें करने हैं ना, और ये आपकी जिम्मेदारी है। देखो टॉपिक क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर बन जाती है, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो इस तरीके से करवाया जाएगा कि आपको वहां से जब भी क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो मिस हो जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा और यहाँ पर दिमाग में फिट हो जाएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लेकर के आना, लाइक करना और शेयर करना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो दोनों के दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब अच्छे से निभाएंगे तभी कुछ मजा आएगा। ठीक, तो जल्दी से क्या करना है, जल्दी से लाइक बढ़ाने हैं भाई, इतने कम हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा इसमें। आपको मजा आ रहा है तो आगे बात करते हैं, ठीक है। और अगर लाइक ना सही कम से कम डिसलाइक ही सही, ठीक है, दो तो हो ही गए हैं, दो चार और सही, पता तो चले कि इंप्रूवमेंट कहां पर करनी है। चलो ठीक है, लो टू हाई चल रहा है यहां पर, ठीक है। चैनल को क्या करना है और साथ ही साथ सेशन को शेयर भी करना है, शेयर कर लो क्योंकि बढ़ नहीं रही है वॉचिंग यहाँ पर। ठीक, ओके, बिल्कुल बढ़िया बात, जल्दी से हम टाइम ले रहे हैं और उसके बाद आगे करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, लेट हो गए तो एक्सप्लेन कर देते हैं, बिल्कुल बहुत छोटा सा है। देखो चक्रवात, चक्रवात क्या होता है, समुद्र में आने वाला बहुत तेजी से आने वाला तूफान। अब सिंपल सी दिमाग में इमेजिन कर लो कि एक समुद्र में बहुत तेजी से हवाएं घूमती हुई आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उस तूफान जिस जगह पर आएगा, जिस पर्टिकुलर जगह पर हवा घूमेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आई, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आई, यानी कि चक्षु। ठीक है, तूफान के केंद्र को चक्षु कहते हैं। यहां पर मौसम कैसा होता है, तो क्लाउडलेस होता है और काम होता है, क्लाउडलेस देन काम, ये यहां पर मिलता है। और जो साइक्लोन है, जो आई है, वो चारों तरफ किससे घिरा रहता है, हाई प्रेशर से घिरा रहता है, ये अभी तक की कहानी थी। ठीक, चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए कंप्यूटर जी, क्या होने वाला है। हाँ फिर से यही क्वेश्चन हमारे सामने दोबारा दूसरे फॉर्म में आ गया है कि जो चक्रवात का चक्षु यानी कि सेंटर होगा उसमें मौसम कैसा रहेगा। अभी अभी बात हुई थी, अभी अभी बात हुई थी, कैसा रहने वाला है मौसम, जल्दी से आंसर बताना है, जल्दी से बताना है आंसर कि कैसा रहने वाला है मौसम वहां पर, जल्दी बताओ। देखो यहां पर कुछ ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये चीज ध्यान रख लेना। अगर इस टॉपिक को क्लियर करें ना, बहुत छोटा टॉपिक है, साइक्लोन माना कि बड़ी तबाही लाता है, लेकिन टॉपिक के अकॉर्डिंग, एनटीपीसी के अकॉर्डिंग, एसएससी के अकॉर्डिंग टॉपिक आपका छोटा रहता है ये, और आंसर आप कोई गलत नहीं करेगा, ये बात ध्यान रख लेना, वरना चीजें समझ में नहीं आई है भाई। हाँ कोई गलत नहीं करेगा, कौन गलत नहीं कर रहा है यहाँ पर। चक्रवात में मौसम कैसा रहता है, तो बोल रहे बादल छाए रहेंगे और बारिश हो जाएगी, वाह क्या बात है, हाँ बात सही आई है, अब सही जगह पर पहुंच रहे हो आप। क्लाउडलेस एंड काम, कंप्यूटर जी आंसर दिखा दो, बिल्कुल आंसर दिखा दो, क्या रहेगा, बादल रहित रहेंगे और शांत रहेगा, बात यही तो लिखी थी, बादल रहित और शांत, ठीक है, तो वही सही क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा सारे क्वेश्चन भी जा रहे हैं, चलो ये कोइंसिडेंस हो सकता है, मैंने चेक नहीं किया था जिस समय ये चीजें चल रही थी। ठीक है, क्लाउडलेस रहेगा और काम रहेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, देखो कंसेप्ट क्लियर करते हुए रहो, क्वेश्चन कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा यहां पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो जिस तरीके से कंप्यूटर जी ने हमारे क्या कर दिया है, क्वेश्चन भी डिम कर दिया है, तो वेरी बहुत बहुत धन्यवाद उनका, थैंक यू उनके लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अब हमारे सामने आ जाएंगी, और चीज़ें क्या आ जाएंगी हमारे सामने, चीज़ें ये आएंगी कि पहला तो जो साइक्लोन है, जो चक्रवात है, अगर मैं बात करूँ कि हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन, जल्दी बताने, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और बहुत यूज याद हो जाने होने वाला है ये क्वेश्चन, बिल्कुल चुटकी बजाते याद हो जाएगा। ठीक है राहुल सिन्हा जी, फास्ट करवाएंगे, लेकिन ध्यान रखना मैंने कहा ना क्वेश्चन गिने चुने हैं, लेकिन क्वेश्चन से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, आराम से हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बताओ कि चक्रवात की दिशा क्या होने वाली है, जल्दी से बताओ सभी लोग, चक्रवात की दिशा क्या होगी। ठीक है,
टॉपिक छोटा सा है तो सारे पॉइंट कवर करने पड़ेंगे इसके, वो सारे पॉइंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और आते हैं डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। प्रियांशी जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग क्लॉकवाइज। अब यहां दोनों चीजें आएंगी, एंटी क्लॉक और क्रॉस दोनों आ जाएंगी। लेकिन मैंने पूछा हाँ बिल्कुल, टॉप क्वेश्चन करवा रहे हो, टॉप 10 क्वेश्चन निकाल कर आया हूं मैं यहाँ पर। कौन है यहाँ पर? राहुल जी। टॉप 10 क्वेश्चन से सारा टॉपिक क्लियर कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। जब कभी आगे टेस्ट अभी लेंगे हम, शायद कल या परसों में टेस्ट लेंगे, तो वहां पर सब कुछ मिक्सअप करके पूरा लंबा टेस्ट लेंगे आप लोगों का, बिल्कुल रैपिड फायर। कुछ नहीं है वहां पर, आपको क्या करना है, कोई चीज डिस्क्राइब नहीं करूंगा यहाँ। सिंपल देखो, चक्रवात की दिशा अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में पूछा जाए तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में चक्रवात कैसा आता है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर साउथ में पूछा जाए तो चक्रवात कैसा आता है? क्लॉकवाइज आता है। ये चीज ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है एंटी क्लॉक और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां एंटी क्लॉकवाइज है, यहां क्लॉकवाइज है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और चीज लिखना यहां पर, स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, सबसे ज्यादा विनाशकारी चक्रवात किस कितना आता है, सबसे ज्यादा विनाशकारी चक्रवात का नाम और उसकी स्पीड कितनी हो सकती है, जल्दी यहां पर बताओ। ठीक है, जल्दी यहां पर बताने। खिलाड़ी कुमार जी क्या बोल रहे हैं आप? सर जी बाल कम रन ज्यादा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बॉल कम और रन ज्यादा ही करने हैं यहाँ पर हमें, ठीक। T20 या फिर यहाँ पर तो 10-10 खेल रहे हैं हम, ठीक है। जल्दी से यहाँ पर ध्यान रख लेना, हाँ, वामावर्त दक्षिणावर्त, ठीक। अब हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान रख लो, वामावर्त कौन सा, दक्षिणावर्त कौन सा है, कौन सा होता है? ये दक्षिणावर्त होता है, ये वामावर्त होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, अगर मेरी हिंदी सही है तो ये वामावर्त दिशा होती है और ये दक्षिण की ओर घूम रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त दिशा कहा जाता है, ठीक है। वामावर्त, दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉक, क्लॉक, दोनों जगह पर साइक्लोन की क्या है डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन चलती है। यहाँ पर उल्टी घड़ी की सुई में चलती है, यहाँ पर सीधी। तो उत्तरी गोलार्ध, आप उत्तर में रहते हैं तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, हम बोलते हैं हम तो किसी रूल को मानते ही नहीं है, उल्टा उल्टा चलते हैं हम। बोलते हैं हेलमेट लगा लो, बोलेंगे नहीं लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, नाम चलो आ गया है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड वाला चक्रवात होता है टॉर्नेडो, टॉर्नेडो, ठीक है। टॉर्नेडो जो चक्रवात है वो बहुत तेजी से चलने वाला चक्रवात है। स्पीड कितनी है उसकी? तो लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटा की तरीके से हवाएं चलती हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मल हिंद महासागर भारत के पास आने वाले चक्रवात की स्पीड मानी जाती है कितनी है, तो यहां अप्रोक्सीमेशन में बात करता हूं तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक कि ये चले जाते हैं, ठीक। क्लियर, अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं हम। अगर बात करते हैं टॉर्नेडो की, तो टॉर्नेडो 450 किलोमीटर तक आ जाता है। कहां पर आता है, क्या आता है, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये चीज ध्यान रखना, सदर्न और नॉर्दर्न में डायरेक्शन क्या होगी, और हमेशा साइक्लोन क्या चलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। एक तो इनके हवाओं की डायरेक्शन और दूसरा क्या चलते हैं, ये चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ये कैसे चलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलता है चक्रवात। जब भी आते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया है और वो उड़ीसा की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ आ रहा है। देखो बिल्कुल सिंपल चीजें जो आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीजें जो आप लोग पढ़ते हो। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया, ठीक है, कैसे आया, ये भारत हमारे सामने मिल जाता है अगर, तो यहां कहीं पर चक्रवात आया और आप क्या देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश उड़ीसा की तरफ इस तरीके से आ रहा है, तो इसलिए डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट पूर्व से चक्रवात आ रहा है और किस तरफ को चल रहे हैं, पश्चिम वेस्ट की ओर चल रहे हैं। क्लियर आ की बात याद रह जाएगी ना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है राहुल सिन्हा जी। हाँ, ईस्ट टू वेस्ट साइक्लोन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, साइक्लोन का टॉपिक। और अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कंप्यूटर जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए स्क्रीन पर। एक और आसान और अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ये, व्हेन वाटर वेपर्स कंडेंसेशन अराउंड द डस्ट पार्टिकल इन एयर, व्हाट डज इट फॉर्म। जब जल वाष्प हवा में धूल के कणों के चारों ओर संघनित हो जाती है तो क्या बनता है, बिल्कुल जल्दी से बताओ यहां पर क्या बनने वाला है ये।
क्या बनने वाला है ये? राहुल जी, वो क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं जो पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन में क्लियर दिखाई दे जाएगा। ठीक, क्लियर। यहां पर क्या बनेगा? ओस पाला हिम या मिस्ट? मिस्ट ड्यू, ड्यू माउंटेन ड्यू नहीं है ये। ठीक है, फ्रॉस्ट या फिर स्नो? तो कंप्यूटर जी आंसर दिखा दो क्या होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिन्होंने बताया मिस्ट, उनके लिए बिल्कुल मेरी तरफ से लाइक बनता है, उनके लिए बिल्कुल लाइक बनता है मेरी तरफ से। स्नो कैसे पड़ेगा भाई? मिस्ट होती क्या? देखो बात ध्यान सुनो, कोहरा आपने सुना होगा, फॉग आपने सुना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोहरा कहते हैं। तो जब कोहरे की बात करते हैं तो कोहरा क्या होता है? बहुत ज्यादा हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर ठंडा हुआ तो हमारे आसपास एटमॉस्फेयर के आसपास में जितनी जलवाष्प है वो सब इन धूल के कणों के ऊपर चिपक गई और हमें वो पानी की बूंदों के रूप में हवा में तैरती हुई दिखाई देने लगी। जब बहुत डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जब क्या होता है? डेंसिटी, घनत्व ज्यादा हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो उसे फॉग बोलते हैं। और जब विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा 10 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो उसको मिस्ट कहा जाता है। जिसे हम बोलते हैं ना, आजकल धुंध हो रही है, तो धुंध हो रही है मतलब कि हमें दूर तक दिखाई दे जाता है, लेकिन जब 10 मीटर से कम का भी दिखना बंद हो जाता है तो उसको कोहरा कहा जाता है। ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, कुहासा, हाँ, मिस्ट, धुंध या कुहासा कहते हैं। ओस, ओस कैसा होता है? तो जब हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो जो हवा की में जलवाष्प है वो जैसे ही किसी चीज पर टकराती है तो बूंदों के रूप में चिपक जाती है। तो इसलिए सुबह सुबह सर्दियों में क्या दिखता है? पूरी घास में छोटी छोटी बूंद है, वो ओस कही जाती है। कंडेंसेशन का प्रोसेस है। पाला, फ्रॉस्ट, क्या होता है पाला? तो पाला होता है जब पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत यानी कि और कम हो जाए। ठीक, मिस्ट में थोड़ा कम, ड्यू में थोड़ा ज्यादा कम, फ्रॉस्ट में और ज्यादा कम हो जाए तो क्या होगा? जैसे ही पृथ्वी ठंडी होगी तो जो हवा में जलवाष्प जैसी वो किसी चीज पर टकराएंगी तो अचानक बर्फ के फॉर्म में जम जाएंगी, यानी कि सीधे पाले में क्या होता है? गैस से ठोस में परिवर्तन हो जाता है। गैस से ठोस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, हाँ अर्थ जी, मिस्टी रसगुल्ला पता चल गया आपको। हाँ जी, ठीक है, ठीक। तो ये यहां पर हम देख लेते हैं, क्लियर यहां तक। और हिम क्या होता है? तो जब बादलों में ऊपर ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है तो जलवाष्प हिम के रूप में जम जाती है और वही नीचे गिरते तो उसको हम स्नोफॉल कहते हैं। ठीक, क्लियर यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या बोलते हैं? कल ये नाम आया था और जब मैं करवा रहा था टेम्परेरी विंड्स तो उसके बाद किसी ने ये नाम बोला था ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की हवाएं चलती हैं। असल में वो हवाएं चक्रवाती हवाएं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चक्रवात, अच्छा टॉर्नेडो, हाँ टोर्नेडो की आकृति हमें कुछ इसी कीप की तरीके की, यानी कि बहुत तेजी से इस तरीके से घूमती हुई दिखाई दे जाएगी। ठीक, तो हम कीपाकार मान सकते हैं इसे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया दिलीप कुमार जी। 7-7 का ए, तूफान बोला गया है, और पंडित जी ने बोल दिया है बी, दलीप सिंह बी आ रहे हैं, विली विली आ रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं वो विली विलीज के नाम से जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? विली विलीज के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कंप्यूटर जी? प्रियांशी जी, मैंने साइक्लोन बोला था सर। प्रियांशी जी, साइक्लोन पर अभी आ जाते हैं हम, साइक्लोन पर भी अभी आते हैं। फिलहाल टाइफून की बात बताओ कहां पर है टाइफून? टाइफून किस जगह या किन देशों में मिलता है? चीन में, जापान में, भारत में, अमेरिका में? तो टाइफून नाम से कुछ लग रहा है ना, ज्यादा पहचाना कैसा नाम लग रहा है ये? टाइफून, टाइफून, विली विली नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवातों को। ठीक है, यहां पर एक बार और लिख लेता हूं मैं, विली विली नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के चक्रवातों को, और टाइफून नाम कहाँ का दिया गया है? तो जापान, श्रीलंका, ऐसे ही कुछ नाम लग रहा है ये, जापान और श्रीलंका वाला। तो सही आंसर दिखा दो कंप्यूटर जी। तो सही आंसर मिलता है हमारे पास चाइना।
चीन में जो ईस्ट चाइना सी है, जो चाइना सागर, जो दुनिया का सबसे बड़ा सागर है, ये भी फैक्ट ध्यान रख लेना। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? चाइना सागर है। तो ईस्ट चाइना सी में जो तूफान आता है उनको टाइफून कहा जाता है, ठीक है? ईस्ट चाइना सी में आने वाले तूफानों को टाइफून कहा जाता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अगला पॉइंट क्या होने वाला है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेन कहां पर आते हैं? अच्छा, हरिकेन को हिंदी वाले ध्यान रखना, तूफान लिख दिया इसने, यहां हरिकेन नाम लिखा हुआ आएगा। हरिकेन कहां पर आते हैं? मैक्सिको की खाड़ी में, पेरिस की, ये पेरिस नहीं है, ये फारस की खाड़ी है, इसको भी ध्यान में ठीक से कर लेना। पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी में, लाल सागर में या प्रशांत महासागर में, ठीक है? बिल्कुल हो गए रमेश जी, बहुत बढ़िया। जिनका सही है उनकी बिल्कुल ठीक है, गलत बोल रहे हैं। गलत क्या हो गया है? अच्छा, वर्ल्ड राजेश सागर, क्या गलत हो गया? बलजीत सिंह जी कुछ बताएंगे? सबसे बड़ा सागर बोला है, महासागर नहीं बोला है, ये चीज ध्यान रख लेना। हाँ बलजीत सिंह जी, कुछ करेक्शन करो तो कुछ बात पता चले कि क्या होने वाला है। क्या रिप्लाई किया था? गल्फ ऑफ मैक्सिको, आंसर मिल गया, वर्ल्ड लार्जेस्ट। अरे भाई, सागर बोला है मैंने, क्या कर रहे हो तुम लोग? अब बिहारी बाबू जी, गल्फ ऑफ मैक्सिको चल रहा है, करेक्शन वाली तो कुछ बात, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, जल्दी से रिप्लाई करो। मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ कि करेक्शन क्या है, ठीक है? दो चीज ध्यान रख लेना, अगर ये पूछा जाए आपसे, हाँ आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर दिखा दो कंप्यूटर जी। टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया, ना ना ना, गलत है, पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हो। देखो, अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन पूछा जाए ना आपसे, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए, तो महासागर में प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन है। लेकिन मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा सी कौन सा है, सागर कौन सा है, ठीक है? सागर कौन सा है ये बताया था, ठीक? सबसे बड़ा सागर है, ठीक है? क्लियर यहां तक? कैरिबियन सी नहीं है, वो चाइना सी है, जो ईस्ट चाइना सी के नाम से फेमस मिल जाता है। मैप में उठाकर देखो, चाइना के आगे की तरफ में हमें मिल जाता है, साउथ चाइना सी का एक हिस्सा मिल जाता है हमें वो, ठीक? तो इसलिए सागर और महासागर दोनों में डिफरेंस ध्यान रख लेना भैया। बाकी लोग जो पैसिफिक बोल रहे हैं, पैसिफिक महासागर है, कर क्या रहे हो? थोड़ा ध्यान से तो सुनो, मैंने क्या बोला? सबसे बड़ा सागर, तो सबसे बड़ा सागर पैसिफिक नहीं है, पैसिफिक महासागर मिल जाता है। करेक्शन, बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, समझ में आ गई तो थम्स अप करके जल्दी से बताओ भाई, बात समझ में आ गई ना यहां तक? देखिए, जो यहाँ पर हम बात करें ना, वो गिने चुने टॉप 10 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, उससे क्वेश्चन रिलेट करते हुए चल रहे थे, ठीक है? ये कहाँ पर है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में है। कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारे पास? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो होगा, हवा के आने का कारण क्या है? चलिए, क्वेश्चन कल भी हो गया था। हाँ बिल्कुल, लग रहा है बात समझ में आ गई है, सागर और महासागर के बारे में। साउथ चाइना सी वाला, उसी का हिस्सा ईस्ट चाइना सी भी मिल जाता है हमें, ठीक है? तो इसलिए साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी, दोनों में से कुछ एग्जाम में आपको मिलेगा। हवा के चलने का कारण क्या होता है? तो यहाँ पर आप, मैं कुछ और भी लिख लेता हूँ। विली विली हो गया, टाइफून हो गया, हरिकेन हो गया और टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कहाँ आते हैं? तो ये मैक्सिको की खाड़ी लिखा गया है, ठीक है? टॉर्नेडो आते हैं यूएसए के पास या फिर कैरिबियन सागर में, कैरिबियन सागर में। और अगर सिंपल पूछा जाए कि चक्रवात कहाँ आते हैं, तो चक्रवात कहाँ पर आते हैं? चक्रवात आ जाते हैं हिंद महासागर में। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजिया, ठीक है, बेंजिया या फिर बेंगिया नाम के चक्रवात कहाँ आते हैं, तो ये आते हैं फिलीपींस के पास में, ठीक? क्लियर, क्लियर यहां तक? 10 का सी, डिफरेंस इन प्रेशर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए, और
आंसर हो गया 10th का सी, ठीक है। तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, टाइफून चाइना में मिलता है, हरिकुन मैक्सिको मिलता है, टॉर्नेडो यूएसए के पास कैरिबियन सागर में मिलेंगे, भारत के आसपास आने वाले चक्रवात को चक्रवाती कहा जाएगा, और फिलीपींस और जापान के पास में जो चक्रवात आएंगे उनको बैंजिया या बैंगिया कहा जाता है। ठीक, क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये टॉप 10 क्वेश्चन मिल रहे थे जो किससे मिले थे, जो साइक्लोन से रिलेट करते हुए मिल रहे थे। टॉप 10 क्वेश्चन जो साइक्लोन से रिलेट करते हुए मिले थे, और साइक्लोन जो हमने यहां पर पढ़ा था उस साइक्लोन से रिलेटेड सभी, मतलब ये कह सकते हैं कि 90% चीजें वहां पर क्या होती है, हमारी कवर रहती है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो एनटीपीसी के मिलते हैं वो बिल्कुल इतने ही आसान या इसी तरीके के मिलते हैं हमारे सामने। चक्रवात की आग किसे कहते हैं, आई क्या होता है, उसका प्रेशर कैसा है, उसके अंदर मौसम कैसा होता है, चारों तरफ कैसे सराउंडेड है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, स्पीड क्या होती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम क्या होते हैं। क्लियर यहां तक की बात? तो ये यहां तक हम देख रहे थे, बाकी अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, और शायद कल हमारे सामने क्या मिलेगा, कल हमारे सामने पूरा एक एमसीक्यू वाला सीन या फिर टेस्ट हम देखेंगे, तो वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। तब तक हमारे संग बने रहो, लेकिन सेशन को लाइक भी करना है और जल्दी से शेयर भी कर दो, तो बड़ा बढ़िया तरीके से जल्दी से शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कल फिर से हमें क्या करना है, एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू और क्वेश्चंस लेकर के आने हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। शांति के समय इतना पसीना बहाओ कि युद्ध के समय खून न बहाना पड़े, तो बिस्मार्क की ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है आईबीपीएस क्लर्क के एस्पिरेंट्स के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त आ चुका है आईबीपीएस क्लर्क के इस किले को फतेह करने के लिए अभ्यास शुरू कर दिया जाए। तो आपकी मैथ से जुड़ी हर समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए मैथ्स का स्पेशल शो, डेली शाम 8 बजे, ओनली ऑन अड्डा 24/7।